किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज की जो वीडियो है ये छोटे और जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं जो कि प्राइस वाइज बहुत ही सस्ते आप लोगों को पड़ने वाले हैं। 5 लाख की रेंज में भाइयों दोनों ही ट्रैक्टर हैं और इन पे किसान भाई रूटावेटर भी चला सकते हैं। इसके अलावा खेती के अन्य सारे काम भी ये ट्रैक्टर करेगा। ट्राली के काम के लिए ही बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। तो भाइयों सबसे पहले आप लोगों को ट्रैक्टर दिखाते हैं। तो ये ट्रैक्टर है भाइयों सोनालिका का DI 734 RX और इधर खड़ा है सोनालिका DI 35 RX। दोनों ही ट्रैक्टर जो मिडिल क्लास किसान भाई हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और हॉलेज के काम के लिए भी ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आप लोगों को 2780 cc का इंजन मिलता है। 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन आप लोगों को इन दोनों ही ट्रैक्टरों में मिलेगा। तो भाइयों जो सोनालिका का ये DI 734 RX है ये ट्रैक्टर है भाइयों 3 सिलेंडर 2780 cc और 37 HP के साथ में, क्योंकि ये है पावर प्लस। और ये है सोनालिका का DI 35 जो है 3 सिलेंडर 2780 cc और 39 HP का ट्रैक्टर। PTO हॉर्स पावर में 2 हॉर्स पावर का फ़र्क है। ये जो DI 35 आप लोगों को मिलता है ये मिलता है 34.87 HP की PTO पावर के साथ में, और जो DI 734 मिलता है ये मिलता है 32.5 HP की PTO पावर के साथ में। तो लगभग दोनों ही ट्रैक्टर सेम काम कर देंगे खेत के अंदर। लगभग परफॉर्मेंस आप लोगों को लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। बाकी फीचर्स की भी बात करेंगे लेकिन मोटा मोटा आप लोग देख सकते हैं। टायर वगैरह की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टरों में 13/6/28 के आप लोगों को टायर मिलेंगे और दोनों ही ट्रैक्टर भाइयों सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट में अवेलेबल हैं। 734 भी साइड शिफ्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आगे के टायर हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर में आप लोगों को 616 के मिलेंगे, देख सकते हैं। और पावर स्टेयरिंग, सादी स्टेयरिंग ऑप्शनल दोनों ही में मिल जाएगी आप लोगों को। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैक्टर में मिलने वाले फीचर्स की, तो पावर स्टेयरिंग हो गया, सेंटर गियर हो गया, साइड गियर जो भी आप चाहें ले सकते हैं, सिंगल क्लच और डुअल क्लच ऑप्शनल मिलता है। आप लोग चाहें तो सिंगल क्लच में भी ले सकते हैं और डुअल क्लच में भी ले सकते हैं। बाकी 540 स्टैंडर्ड RPM के साथ में आप लोगों को इसमें PTO मिलेगी। रिवर्स PTO वाले फीचर्स इसमें आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा पीछे से भी दिखा देते हैं। पीछे से देख लो, 4 सेंसिंग पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ये DI 35 और DI 734 में भी 4 सेंसिंग पॉइंट मिलेंगे। 540 चक्करों के साथ में PTO मिलेगी। दोनों ही ट्रैक्टरों पर आप लोग 185 cm वाला जो रूटावेटर है आसानी से चला पाएंगे। बाकी लिफ्ट पट्टी वगैरह देख सकते हैं। 734 में आप लोगों को चैन मिल जाती हैं और DI 35 में आप लोगों को यहाँ पे स्टे बार वगैरह देखने को मिलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। और एक बात और है कि जो ट्रिपलर वाली ट्राली उठाने के लिए दोनों ही ट्रैक्टरों में आप लोगों को सिंगल वाला DCV मिलेगा, इससे आप लोग ट्राली प्रेशर वाली उठा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और भी। तो भाइयों देख सकते हैं लिफ्ट और पावर स्टीयरिंग की दोनों ट्रैक्टर में अलग अलग पंप मिलेगी अगर पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो। और इधर आप लोग देख सकते हैं यह है DI 35। और इसके अलावा भाइयों अब आप लोगों को दिखा देते हैं ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन प्लेट। तो सबसे पहले 734 की डिस्क्रिप्शन प्लेट देख लो, ये देखो है। तो इसमें मैक्सिमम PTO पावर है 34.3 kW जो हॉर्स पावर में है 32.59 और SFC है 260। और इसकी देख लो PTO पावर 26 kW 34.87 हॉर्स पावर और जो SFC है इसकी है 250। तो दोनों ही ट्रैक्टर में आप लोगों ने देखा केवल लगभग 34.87 और 32.59 लगभग 2 हॉर्स पावर का दोनों ही ट्रैक्टरों के PTO पावर में फ़र्क है, लेकिन रूटावेटर जो है दोनों ही सेम चला लेंगे। बाकी 8+2 गियरबॉक्स के साथ में दोनों ही ट्रैक्टर मिलेंगे, 8 आगे के और 2 गियर पीछे को जाने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। और लिफ्ट की स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए घटाने के लिए यहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाता है फीचर। और अब बात कर लेते हैं कीमत वगैरह की। तो भाइयों सोनालिका DI 734 की जो स्टार्टिंग प्राइस है 5,20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और जो DI 35 की कीमत है ये स्टार्ट हो जाती है 5,80,000 रुपये से।
तो दोनों ही ट्रैक्टर में जो वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए रहने वाला है वो रहने वाला है 734 ऑन रोड। लगभग लगभग आप लोगों को 5.5 लाख रुपए में ये पड़ जाएगा और 6 लाख से थोड़ा सा ऊपर ये आप लोगों को लगभग 6,20,000 रुपए के आसपास DI 35 आप लोगों को पड़ने वाला है। तो जिन किसान भाइयों का बजट कम रहता है उनके लिए ये ट्रैक्टर अच्छा है। और दूसरे नंबर पे जो किसान भाई अपना खेती का काम करना चाहते हैं, रोटावेटर वगैरह अपना चला लें, ट्राली वगैरह का काम करना चाहते हैं अपना, तो उनके लिए ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। काफ़ी सारे मतलब जो इम्प्लीमेंट खेती वाले हैं सभी चला लेगा लगभग। तो बाकी आप लोगों को इस प्राइस रेंज में ये दोनों ट्रैक्टर कैसे लगे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।